हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन आईएएस। तो आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स 15 क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर के आए हैं, जिससे आपके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो ये तो बहुत ईजी है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद तो वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो वेदों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऋग्वेद जो है वो किससे संबंधित है। तो ऋग्वेद जो है ये स्रोत और प्रार्थनाओं से संबंधित है, स्रोत और प्रार्थनाओं से संबंधित है। फिर यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में बलिदान और कर्मकांड, यज्ञ, इन सब से रिलेटेड है ये यजुर्वेद। इसको याद करने के लिए आप यज्ञ से याद कर सकते हैं, यजु और यज्ञ, तो ये इजी हो जाएगा याद करना। सामवेद, सामवेद को सा, ये भी याद रखना इजी है, संगीत से याद रख सकते हैं, सामवेद संगीत से रिलेटेड है। और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद औषधियों और जो है तंत्र मंत्र से रिलेटेड है, तो तंत्र मंत्र और औषधि, तंत्र मंत्र और औषधि से रिलेटेड है आपका अथर्ववेद। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर वन। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है? तो उसमें जैसे हमने सुना होगा तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो तमसोमा ज्योतिर्गमय जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और श्वेताश्वर उपनिषद से क्या लिया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में जो है ये इसका अर्थ तो सबसे पहले होता है सफ़ेद घोड़ा, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सफ़ेद घोड़ा। और मोक्ष शब्द जो है उसका सबसे पहले प्रयोग इसी उपनिषद में हुआ है, श्वेताश्वर उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में क्या है? छांदोग्य उपनिषद में आपकी सत्यकाम और जाबाल की कथा है, सत्यकाम जाबाल कथा ये आपकी छांदोग्य उपनिषद में है। तो इस कथा में क्या है, जो सत्यकाम जाबाल है वो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती हैं, तो ये कथा छांदोग्य उपनिषद में है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और 10 मंडल के साथ इसमें कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋचाएँ भी देख लेते हैं, तो वो हैं 10,552 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल और 10,552 ऋचाएँ। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वह है नवा मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। तो जैसा कि हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था, यजु को यज्ञ से याद रख सकते हैं, तो यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से पता चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी परुश्री इनमें से कौन सी नदी है? चेनाब, रावी, सतलज या गंडक? तो इनमें से जो है कौन सी नदी का नाम परुश्री है? तो वो हो जाएगी आपकी रावी नदी, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावी नदी जो है उसको परुश्री नदी कहा जाता है। तो बाकी नदियों को भी देख लेते हैं। चेनाब को क्या कहते हैं? तो चेनाब का पुराना नाम, वैदिक नाम है अस्किनी। चेनाब नदी का वैदिक नाम है अस्किनी। रावी का तो हमने देख ही लिया परुश्री। सतलज का है शतुद्री, ये सब नोट कर लीजिएगा, सतलज का है शतुद्री। और गंडक का हो जाएगा सदा नीरा जो है वो आपका गंडक का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? वैदिक देवताओं का पुरोहित सोम, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में निशक या निष्क दोनों तरह से आपको लिखा हुआ मिल सकता है क्वेश्चन में, निशक या निष्क, ये आभूषण था, ये स्वर्ण आभूषण था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वर्ण आभूषण था जो बाद में सिक्के के रूप में प्रचलित हो गया, ये कहाँ का आभूषण था? हाथ का, पैर का, गले का कि कमर का? तो ये गले का आभूषण था। निष्क या निशक जो है वो वैदिक काल में गले के आभूषण को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दश राजाओं का युद्ध ये बहुत फेमस युद्ध है वैदिक काल का, वो किस नदी के किनारे, किस वैदिक नदी के किनारे लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा परुश्री नदी। परुश्री मीन्स रावी नदी के किनारे। तो इसमें से हमने देख लिया था सदा नीरा गंडक का वैदिक नाम है, गंडक नदी का। शतुद्री जो है ये सतलज नदी का हो जाएगा। और नया जो है वो है कुमा, तो कुमा जो है काबुल नदी का वैदिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, गेहूं, गन्ना या फिर जौ? तो ये जौ के लिए प्रयुक्त हुआ है यव शब्द। चावल के लिए है व्रीहि,
गेहूं के लिए गोधूम, गन्ना के लिए हो जाएगा इक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक पड़ी, पड़ी अगर आ जाए तो ये किस वर्ग के नागरिक थे, कृषक वर्ग के, व्यापारी वर्ग के, जमींदार वर्ग के या फिर ब्राह्मण वर्ग के। तो पड़ी जो है ये व्यापारी वर्ग के नागरिक थे ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है किस वेद में। तो सभा और समिति, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी दो पुत्रियां थीं, तो ये आंसर हो जाएगा प्रजापति की दो पुत्रियां थीं, सभा और समिति। तो किस वेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो वो है अथर्ववेद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। तो ये तो ईजी क्वेश्चन है, इसमें एक श्लोक भी है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो उसी में से आपको याद हो जाएगा पुराणों की संख्या कितनी है, अष्टादश यानी कि 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है। ऋग्वेद की मूल लिपि प्राकृत ब्राह्मी, देवनागरी या फिर खरोष्ठी। तो इसकी मूल लिपि जो है वो है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में अघन्य माना गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछ लेता है एग्जाम में, गाय को, भैंस को, घोड़े को या फिर हाथी को। तो अघन्य माना गया है गाय को। अघन्य का क्या मतलब होता है, जिसकी, अघन्य का मतलब जिसकी हत्या ना की जा सके। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैदिक काल के। 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, नाम बताना है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। और एक और क्वेश्चन है, उसमें यह है कि बलि और कर्मकांड ये किस वेद में कहा गया है, किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है, बलि और कर्मकांड का उल्लेख किस वेद में मिलता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।